तुम्हें एक बात बता दू ये जो चैप्टर है एविडेंस दिस इज वेरी इजी चैप्टर ये बहुत ही ज्यादा ईजी चैप्टर है बट ये थोड़ा सा लेंथी है ठीक है ये ज्यादा टेक्निकल नहीं है जैसे अभी तक जो चैप्टर्स हमने पढ़े थे उनमें कुछ में टेक्निकलिटीज थी कुछ टर्म्स थी कुछ सेक्शंस थे काफ़ी चीज़ें थी इसमें ऐस सच कुछ इतना ज़्यादा नहीं है ये सिर्फ समझने वाला है और वैसे अगर तुम खुद भी इस चैप्टर को एक बार पढ़ोगे तो तुम्हें काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ जाएगी ठीक है तो इस चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आई लीव फॉर यू कि तुम्हें सिर्फ एक बार पढ़ने ठीक है थीके? तो आई जस्ट वॉन्ट इट टू मेक यू क्लियर कि ये जो चैप्टर है दिस इज़ नॉट एज सच दैट चैप्टर आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दिस इज इंपॉर्टेंट बट द पॉइंट इज दिस इज नॉट अ डिफ़िकल्ट चैप्टर बहुत प्लेन लैंग्वेज में है बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है ठीक है अब इस चैप्टर को किस इस चैप्टर में है क्या बेसिकली सो so, जैसा कि हमने अभी तक ऑडिट में पढ़ा हुआ है कि हमें कुछ जो भी हम कोई भी ऑडिट करते हैं हर किसी चीज़ के लिए अगर हमें कोई भी फाइनेंशियल फिगर मिली है फाइनेंशियल फिगर कोई भी अगर बैलेंस शीट में लिखी हुई है तो उस चीज़ के लिए जैसे फॉर एग्जांपल सेल लिखी हुई है वन लाख की Let's say, अगर मैं बोलता हूँ कि हमारी सेल लिखी हुई है वन लाख डॉलर की एक बिल है तो इस बिल के लिए हमारे को हम वी कैन नॉट जस्ट ऑन द जर्नल एंट्री कि अकाउंटेंट ने एक जर्नल एंट्री कर दी सो दैट इज रेबल नो दैट इज नॉट वी नीड टू सी दी सोर्स कि ये एंट्री कहाँ से हुई है उसके लिए हमें एक एविडेंस लेना होता है एविडेंस कैन बी इट कैन बी दिल बिल परचेज बिल थीके? और अगर पेमेंट करी है इस सेल की डायरेक्टली पेमेंट करी है तो बैंक अकाउंट से उस पार्टी के नाम को पेमेंट होनी चाहिए ठीक है स्टॉक इस स्टेट में कम होना चाहिए तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन बी डन सो हम पढ़ेंगे इस चीज के बारे में दैट इज एविडेंस कि जो भी हम फाइनेंशियल फिगर देखते हैं फाइनेंशियल फिगर की वेरिफिकेशन के लिए वी नीड एविडेंस वी नीड दिस सोर्स फ्रॉम वेयर दैट

ज टू डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर इन सच अ वे डेफिनेशन पढ़ के देन मैं तुम्हें मतलब बताऊंगा डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर इन सच अ वे टू एनेबल टू परफॉर्म सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू बी एबल टू ड्रॉ conclusions on ऑन विच टू base of auditor's opinion. इसका मतलब ये है कि एक auditor को audit procedures इस तरह से बनाने हैं so that he can obtain a sufficient and appropriate audit evidence जिसको base मान के he can make his own opinions अपनी opinions वो दे सकता है कि हाँ ये चीज सही है या ये चीज गलत है but उसके लिए हमारे पास एक evidence होना चाहिए ठीक है तो इस तरह से हमें audit procedure set करने हैं so that we obtain sufficient and appropriate evidence अब सफिशियंट क्या होता है सफिशियंट रिलेट्स टू क्वांटिटी ऑफ एविडेंस जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हंड्रेड सेल्स बिल हैं ठीक है सेल हमारे पूरा साल हंड्रेड सेल हुई है चलो हंड्रेड नहीं मैं कहता हूं टोटल टेन थाउजेंड के मेरे सेल बिल्स है बिल्स मतलब टोटल दस हजार सेल मैंने की है एक बिल दो लाख का एक बिल फाइव हंड्रेड का एक बिल थ्री थाउजेंड का है तो ऐसे अलग अलग वैल्यूज हैं बट टोटल नंबर ऑफ सेल बिल्स हमारे हैं दिस इज नंबर ऑफ सेल बिल्स टेन थाउजेंड अब एज अ ऑडिटर अगर मैं टेन थाउजेंड एक एक बिल एक एक सेल बिल को पढ़ूंगा उसको पूरा चेक करूंगा तो मुझे तो इसी में बहुत टाइम लग जाएगा है ना तो सफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि हमने सारे ना चेक करके हमने प्रॉपर जैसे सैम्पलिंग के अकॉर्डिंग हमने फिफ्टी परसेंट चेक कर लिए सिक्सटी परसेंट चेक कर लिए फोर्टी परसेंट चेक कर लिए ट्वेंटी परसेंट चेक कर लिए तो दैट इज कॉल्ड सफिशियंट सफिशियंट रिलेट्स टू क्वांटिटी ऑफ एविडेंस हमने कितनी क्वांटिटी के एविडेंस चेक किए हैं वी कैन नॉट ऑडिट में मैंने पहले भी बताया हुआ है हम पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक एक फिगर का एक एक एविडेंस नहीं चेक कर सकते बहुत सारे बिल्स होते हैं तो हम रैंडमली कुछ सैंपल्स बना के टेस्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सफिशेंट अप्रोप्रिएट मतलब जो एविडेंस फिफ्टी परसेंट में हमने चेक किया था वो उसकी क्वालिटी कैसी थी क्वालिटी मतलब रेलिवेंस और रिलायबिलिटी क्या थी रेलिवेंस मतलब कि वो कितना रेलिवेंट था या इनरेलीवेंट था क्या उसकी वर्थ थी क्या उसमें चीज़ें जैन लिखी हुई थी और रिलायबिलिटी मतलब कि वो कहाँ से हमें आए अगर तो हमें जिस कंपनी का हम ऑडिट कर रहे हैं उसी ने खुद ही एक पेपर पे बना के दे दिया चाहे फिगर सारी से ये रेलिवेंट है बट दैट इज़ नॉट रिलायबल क्योंकि वो ओनर से आया हुआ है ओनर तो खुद बना के कुछ भी दे दे मैंने ओनर को बोला मुझे सेल बिल ये टू लाख डॉलर की एक सेल हुई थी मुझे इसका बिल नहीं मिल रहा उसने कहा कोई बात नहीं मैं दोबारा प्रिंट आउट निकाल देता हूँ उसने हमने कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल के दे दिया अब दैट इज रेलिवेंट रेलिवेंट है बट कैन दैट बी रिलायबल नो वाई क्योंकि ये ऑडिटर ने ओनर ने सॉरी खुद ही बना के दिया हुआ है तो जिसको ये बिल सेल किया था हमने मैं उस पर्सन के पास जाके उसको बोलूँगा कि तू मुझे अपनी परचेज बिल दिखा के तेरे पास परचेज बिल है अगर उसके पास दो लाख का परचेज है दैट मीन्स ये वैलिड माना जाएगा क्योंकि थर्ड पार्टी से उटसाइडर से अगर कोई भी प्रूफ आता है उसको ज्यादा रिलायबल माना जाता है ठीक है सो एक होता है मतलब quantity, मतलब एंड रिलायबिलिटी दिस इज कॉल्ड ऑडिट एविडेंस अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सफिशियंट एविडेंस अब तुम सारे ये सोच रहे होंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सेवेंटी परसेंट ऑफ टोटल बिल्स चेक करने हैं फिफ्टी परसेंट ऑफ टोटल बिल चेक करने ट्वेंटी परसेंट ऑफ टोटल बिल चेक करने हैं टेन परसेंट चेक करने हैं हंड्रेड परसेंट चेक करने हैं हाउ वुड वी कम टू नो क्या इसका कुछ रिटर्न प्रोसीजर है कि अगर टोटल इतने बिल हैं, तो इतना चेक होगा इतने हैं तो इतना चेक होगा ऐसा एक्चुअली कुछ भी नहीं है दिस टोटली बेस्ड अपॉन योर प्रोफेशनल जजमेंट ये बिल्कुल तुम्हारी प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करता है कि हाउ मच यू थिंक तुम्हें एटलीस्ट कितना चेक करना चाहिए अब प्रोफेशनली जज करने के लिए तुम्हें अपने माइंड में क्या क्या चीज़ें रखनी है इफ़ यू वॉन्ट टू जज प्रोफेशनली दैट हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल बिल्स यू नीड टू चेक यू नीड टू गैदर एविडेंस फॉर तो वो उसके लिए तुम्हें क्या चीज़ें अपने माइंड में रखनी है एक तो है रिस्क ऑफ मटीरियल मिस्टेटमेंट जैसे हम करते हैं ना ऑडिट प्लानिंग ऑडिट प्लानिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी तो उसमें हमने देखा कि मटीरियल मिस्टेटमेंट का रिस्क कितना है मटीरियलिटी ऑफ आइटम हर आइटम की मटेरियलिटी कितनी है नेचर ऑफ़ अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे हैं अकाउंटिंग कैसे वो कर रहा है सिस्टम अच्छे हैं कि बेकार हैं क्योंकि सिस्टम अगर अच्छे हुए हमने देखा कि यार इनका तो ऑडिट सिस्टम इंटरनल और सिस्टम बहुत अच्छा है बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं तो वहाँ हम चाहें तो थोड़ा कम चेक कर सकते हैं लेसे थर्टी परसेंट चेक कर लिया लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत बेकार है कि कुछ कंट्रोल ही नहीं है हर रोज़ उल्टी उल्टी चीज़ें हो रही है कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं चेकिंग ही नहीं हो रही है हर महीने की रिपोर्ट्स ही नहीं बनती हर महीने एम मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स वीकली रिपोर्ट्स ही नहीं बनती तो वहाँ पे हम कहेंगे भाई यहाँ कुछ घपड़ा है घपला है सॉरी तो हम सेवेंटी परसेंट चेक करेंगे रिजल्ट ऑफ कंट्रोल टेस्ट ऑडिटर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ बिजनेस अब ऑडिटर को किस लेवल की नॉलेज है उस वो भी डिपेंड करता है कि हमें कितने बिल्स चेक करने हैं कई ऑडिटर इतने एक्सपीरियंसड होते हैं कि उनको पता होता है कि बस ये ये बिल चेक कर ले इसी में घपले होंगे जो होंगे बाकी किसी में नहीं होने वाले जैसे मैंने उस फर्म का दो तीन बार ऑडिट किया हुआ है मुझे पता है कि फर्म ठीक है लेकिन कुछ एक सेल पार्टीज हैं जिसको ये फेक सेल करती है तो मैं कंपनी में गया मैंने बोला मुझे सिर्फ उन उन पार्टी के सेल्स बिल दिखा दो क्योंकि तो बाकी मैं हर बार चेक करता आ रहा हूँ ये चीज़ ऑडियर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस साइज़ ऑफ पॉपुलेशन बींग टेस्टेड साइज़ ऑफ सैम्पल सिलेक्ट टू टेस्ट रिलायबिलिटी ऑफ दी एविडेंट ऑप्लेन तो ये सारी चीज़ें हमारा सफिशेंट एविडेंस के अंदर आता है ठीक है कि क्वांटिटी कितने हमें एविडेंस चेक करना है बहुत सिंपल से कुछ ऐसा खास नहीं है नेक्स्ट आता है हमारा अब जैसे यहाँ पे सफिशियंट एविडेंस का एग्जाम्पल दिया हुआ है कंसिडर ऑडिट ऑफ अ बैंक बैलेंस ठीक है हमें बैंक बैलेंस चेक करना है द ऑडिटर विल कन्फर्म ईयर एंड बैंक बैलेंस डायरेक्टली विद द बैंक अगर हमें ये चेक करना है कंपनी का इस डेट को कितना बैलेंस है हम सीधा कंपनी के बैंक में जाएंगे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें ऑनलाइन जाके नेट बैंकिंग से देख लेंगे कितना पैसा है दैट्स इट दिस इज अ गुड सोर्स ऑफ एविडेंस बट

उन्होंने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में ये चीज़ या तो एफ थ्री में या फिर अपनी प्रायर उससे अकाउंटिंग में ये चीज पड़ी होगी ट्वेल्थ या एलेवंथ में बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हमारे बैंक के अकॉर्डिंग हमारे पास टेन लाख डॉलर्स है लेकिन इस दिन से एक दिन पहले जैसे ये है थर्टी फर्स्ट मार्च की बात मैंने थर्टीथ मार्च को एक पार्टी को थ्री लाख का चेक दिया था इशू करके मतलब एक चेक लिया उस पर थ्री लाख का अमाउंट साइन करके उसको दे दिया उस चेक के अगेंस्ट अभी तक उस पर्सन ने पैसे नहीं निकाले क्योंकि वो चेक उसके पास ही पड़ा एक दिन में नहीं जमा कराया जाए छुट्टी आगे दो तीन दिन बाद जमा करा दूंगा तो टेक्निकली देखा जाए अगर मैं लॉजिकली बोलूं मेरे मेरे पास होने चाहिए अकॉर्डिंग लाख जाएंगे क्यों टेन लाख तो बैंक में है ही है इसमें से थ्री लाख का चेक मैं दे चुका हूं लेकिन बिकॉज उस पर्सन ने भी पैसे नहीं निकाले तो ये पैसे अभी तक मेरे बैंक से नहीं डिडक्ट हुए डिडक्ट तो होंगे ही ना आज नहीं तो बाद में हो जाएंगे तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे पास बैलेंस कितना होना चाहिए सेवन लाख मेरे अकॉर्डिंग मेरे पास सेवन लाख होना चाहिए बैंक में टेन लाख दैट इज कॉल्ड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट सो द की रीजनिंग टाइमिंग डिफरेंस क्लाइंट मे हैव रिसीव्ड कैश अमाउंट और चेक बिफोर ईयर एंड और है क्लियर नहीं हुआ फॉर दिस रीजन ऑडिटर शुड रिव्यू एंड रीपरफॉर्म क्लाइंट्स ईयर एंड बैंक रिकॉन्सिलेशन इन कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू पीसीज ऑफ एविडेंस इट विल बी सफिशियंट टू गिव एश्योरेंस ओवर बैंक बैलेंस कि हमने सफिशियंट मतलब क्वान्टिटी हमने खाली एक बिल पर रिलाई नहीं किया कि बैंक स्टेटमेंट का प्रूफ निकाल दिया हमने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट भी बनाई एंड चेक करा कि क्लाइंट का जो कैश बैलेंस है वो बैंक के साथ टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा आफ्टर रिकॉन्सिलेशन ये चीज हमने चेक करी ठीक है ज कॉल्ड सफिशियंट एविडेंस नेक्स्ट आता है अप्रोप्रियट एविडेंस अब अप्रोप्रियट एविडेंस क्या होता है अप्रोपरिएट एविडेंस मैंने बताया था देर आर टू थिंग्स वन इज रिलायबिलिटी अदर इज रेलिवेंस तो रिलायबिलिटी क्या होती है कि कितना ट्रस्ट वर्दी है जो हमारा आ, आ, वो है एविडेंस है वो कितना ट्रस्टवर्दी है हम उस एविडेंस पे कितना ट्रस्ट कर सकते हैं सो रिलायिलिटी में क्या आता है दी ऑडिटर शुड ऑलवेज अटैम्प्टू ऑप्टेन एविडेंस फ्रॉम मोस्ट ट्रस्ट वर्दी एंड डिपेंडेबल सोर्स एज पॉसिबल ठीक है कि ऑब्वियसली जब भी हमें कोई एविडेंस कलेक्ट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो एविडेंस मोस्ट ट्रस्ट वर्दी जगह से हो एविडेंस ऑप्टेन फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्स इज मोर रिलायबल देन क्लाइंट जनरेटेड एविडेंस कि अगर इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्स से हमने कोई एविडेंस लिया है वो ज़्यादा बेटर होगा राधा दैन जो हमें क्लाइंट ने प्रिंट निकाल के दिया है एविडेंट ऑप्टेन डायरेक्टली बाय द ऑडिटर इज मोर रिलायबल देन एविडेंस ऑप्टेन इनडायरेक्टली अगर ऑडिटर ने खुद जाके एविडेंस कलेक्ट किए दैट इज गुड राधर देन जैसे क्लाइंट ने किसी और के थ्रू अपने इम्प्लॉय के थ्रू भिजवा दिया दैट इज रॉन्ग हमें खुद जाके देखना पड़ेगा क्लाइंट जनरेटेड एविडेंस इज द लीस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ एविडेंस ये याद रखना क्लाइंट ने जो एविडेंस का बिल जो प्रिंट निकाल के हमें दिया है दैट इज लीस्ट रेलिवेंस हम उसको कभी भी रिलाय नहीं करेंगे क्योंकि क्लाइंट ने दिया हुआ है इफ़ क्लाइंट इज़ मैनिपुलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिगर्स दे मे प्रोड्यूस फिक्टीशियस एविडेंस टू सपोर्ट द फिगर्स क्लाइंट जनरेटेड एविडेंस इज़ मोर लेबल इफ इफेक्टिव कंट्रोल आर इन प्लेस अगर क्लाइंट के इफ़ेक्टिव कंट्रोल्स हैं हमने चेक किया है उसका हर महीने का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ठीक चल रहा है हर महीने ऑडिटर जो बैठता है इंटरनल ऑडिटर वो सारी गलतियाँ बताता है सारी बुक्स ठीक से बन रही हैं सब कुछ ठीक हो रहा है वहाँ पर हम इसको एक सफिशेंट एविडेंस मान सकते हैं अदर अदरवाइज नॉट बट दिस डज नॉट मीन दैट ऑडिटर शुड नॉट रिलाई ऑन क्लाइंट जनरेटेड एविडेंस इट इज सिंपली मीन्स दैट वेयर मोर रिलाएबल एविडेंस इज अवेलेबल दर शुड ऑप्टेन इट मतलब अगर तो क्लाइंट जनरेट एविडेंस के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है कुछ मिल ही नहीं सकता और क्लाइंट का हमें लग रहा है कि ठीक बोल रहे हैं तब हमें उसको मानना पड़ेगा अदरवाइज हम हमेशा कोई और एविडेंस देखेंगे इन एडिशन रिटर्न एविडेंसिज आर मोर रिलाएबल देन और एविडेंसिस दिस इज द फैक्ट ये हम सबको पता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर मोर रिलायबल देन कॉपीज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर मोर रिलायबल देन दी कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स ठीक है तो ये कुछ चीजें हैं इंडिपेंडेंट सोर्स से जो आता है वो बेटर है डायरेक्टली बाय ऑडिटर वो बेटर है क्लाइंट जनरेटेड एविडेंस इज लीस्ट रिलायबल सोर्स अगर इफेक्टिव कंट्रोल है तो माना जाएगा रिटर्न एविडेंस इज बेटर देन ओरल एविडेंस और अगर ओरिजिनल कॉपी की बात करें तो ओरिजिनल वाले को हम ज़्यादा रिलायबल मानेंगे कि हम इस पे रिलाय कर सकते हैं सो नेक्स्ट आता है हमारा रेलिवेंस अब रेलिवेंस क्या होता है सो रेलिवेंस मींस एविडेंस रिलेट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट असोशन बीइंग टेस्टेड एक काम करते हैं छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर हम रेलिवेंस करेंगे सो गाइज रेलिवेंट मीन्स you can say useful so relevant means useful useful means ke jo bhi evidence hum collect karenge wo evidence useful hona chahiye that means the evidence should solve the purpose कि जो हमारा purpose है वो transaction जो हमें check करनी है तो evidence ऐसा होना चाहिए जो complete हो exist कर रहा हो और वो evidence अपना पर्पज सॉल्व करें ठीक है तो रेलिवेंस मीन्स द एविडेंस रिलेट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट असोशंस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी वैल्यूज गिवन है जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो हमने टेस्ट करनी है उसी से रिलेटेड वो एविडेंस हो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है वेन अटेंडिंग एन इन्वेंट्री काउंट ऑडिटर विल सिलेक्ट सैम्पल ऑफ आइटम फ्रॉम फिजिकल इन्वेंट्री एंड ट्रेस दैम टू इन्वेंट्री रिकॉर्ड टू कंफर्म कम्प्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड कि उसने फिजिकल इन्वेंट्री में चेक करा कि ये इन्वेंट्री है ये सारी इतने नंबर ऑफ़ यूनिट जैसे आ, <coughs> हमारा चॉकलेट्स का काम है तो इतनी चॉकलेट इस कंपनी सॉरी इतने इस ब्रांड के चॉकलेट इतनी ये चॉकलेट इतनी वो चॉकलेट स्टॉक में चेक करी देन अपने सिस्टम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेक करी क्या ये नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स इतनी ही दी हुई हैं कहीं कम ज्यादा तो नहीं है दैट इज सिलेक्ट सैम्पल ऑफ आइटम फ्रॉम इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स एंड ट्रेस देम टू फिजिकल इन्वेंट्री टू कंफर्म एग्जिस्टेंस तो कंप्लीटनेस हमें कैसे पता चला हमने फिजिकल वाली काउंट करने के बाद सिस्टम से चेक करी एंड एग्जिस्टेंस मतलब जो सिस्टम के अंदर हमारा स्टॉक था हमने वो देखा कि सिस्टम में लिखा हुआ है कि हमारे पास जैसे जो मिल्क चॉकलेट है जो वाइट वाली चॉकलेट होती है जैसे मैं नाम भूल गया मिल्की बार जो पहले आती थी मिल्की बार वो मिल्की बार चॉकलेट्स हमारे पास टू थाउजेंड चॉकलेट्स के अंदर है ये जो हमारा कंप्यूटर है सॉफ्टवेयर जो हमारा है उसमें स्टॉक मेंटेन पे हम करते हैं रजिस्टर उसमें है कि टू थाउजेंड नंबर ऑफ मिल्की बार है तो क्या एक्चुअली फिजिकल जो हमारा गोडाउन है जो फ्रिज वगैरह है क्या उसमें टू थाउजेंड मिल्की बार्स हैं चॉकलेट्स दैट इज लाइक एग्जिस्टेंस तो वाइल प्रोसीजर्स आर सिमिलर इन नेचर पर्पज इज टू टेस्ट डिफरेंट एसोसियंस रिगार्डिंग इन्वेंट्री बैलेंसेज के इन्वेंट्री बैलेंसिस के बारे में जो भी फिगर्स जो भी वैल्यूज हमें गिवन है उसको चेक करना है हमेंट है या नहीं दट इज कॉल्ड रेलिवेंस ठीक है अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसोसियंस अब जो नेक्स्ट टेप हमारी आती है दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसोसियंस अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसोसियंस बेसिकली जो ये टर्म है इसको लेके बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों में कि सर असोशन का मतलब क्या होता है कुछ लोग कहते हैं ठीक है means assumption. कुछ लोग कहते हैं फाइनेंशियल फिगर जो मेंशन है जैसे फॉर एग्जांपल सेल टोटल सेल पूरा साल हमारी फिफ्टीन लाख ,00 ,00 की हुई थी सो दिस इज असोशन कुछ लोग कहते हैं कि असोशन मीनस अजम्पन मैंने अज्यूम करा ये चीज एक्चुअली असोशन ना तो अजम्पन है और थोड़ा बहुत फाइनेंशियल फिगर भी है असोशन का मतलब क्या होता है असोशन मीन्स समथिंग यू बिलीव टू बी ट्रू समथिंग यू बिलीव टू बी ट्रू मतलब अब एज अ ऑडिटर जब मैं कंपनी में जाऊंगा तो कंपनी ने मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दिए है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी ने बना के दिए मुझे कि कंपनी के अकॉर्डिंग देखो हम ऑडिटर जब चेक करने जाते हैं तो कंपनी ऐसा नहीं होता कि कुछ भी छोटा मोटा हमें बस गलत मलत बना के दे दो उनको तो ऑडिटर आएगा वो सारी ठीक करा देगा नहीं तुम्हें याद होगा ऑडिटर का काम कुछ भी ठीक कराना नहीं होता ऑडिटर को सिर्फ जो भी बुक्स बनाई होती हैं उसके ऊपर अपनी ओपिनियन देनी होती है कि ये सही बनी है या गलत और ये बतानी होती है शेयर होल्डर को सो so, इसका मतलब क्या होता है जो मैनेजमेंट होती है कंपनी की मैनेजमेंट वाइल प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मैनेजमेंट कोशिश करती है मैनेजमेंट कि जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने ये बिल्कुल ट्रू और एक्यूरेट बने ठीक है अभी के लिए मे के चलते हैं कि मैनेजमेंट ऑलवेज ट्राई टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रूली एंड एक्यूरेटली कि इसमें कुछ भी गड़बड़ ना हो कोई भी छोटी मोटी गड़बड़ इसमें ना हो ये हमारा मैनेजमेंट करती है सो दिस इज कॉल्ड असर्शन मैनेजमेंट ने जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड की है अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फेयर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हमारे अकॉर्डिंग नहीं वो हमें ऑडिट करना है हमें सारे एविडेंसेस चेक करना है और देखना है क्या मैनेजमेंट ने जो रिपोर्ट दी है वो सही है कि नहीं बट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है ठीक है सो दिस इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑसोशन सो ओसोशन मीन्स वैन यू बिलीव समथिंग टू बी ट्रू सो मैनेजमेंट बिलीव करती है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने बनाई है बिल्कुल सही है अब हम ऑडिटर को ये स्टेटमेंट दे सकते हैं जिसमें हमारा कुछ भी गड़बड़ नहीं आएगी क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग सब कुछ सही है हाँ कुछ गलत होगा तो ऑडिटर रिपोर्ट में लिख देगा

रिप्रेजेंटिंग दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर इन अकॉर्डिंग विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क असर्शन मतलब जो भी चीज़ मैनेजमेंट ने करी है चीज़ को उस जैसे फॉर एग्जाम्पल हम डेफर टैक्स की बात करते हैं एफ़ सेवन में चैप्टर है डेफर टैक्स तो डेफर टैक्स मैनेजमेंट ने कैसे रिकगनाइज़ किया है कैसे कैलकुलेट किया है कहाँ उसको लिखा है किस तरह से उसका अगर डिस्क्लोजर नोट्स में लिखना है तो वहाँ लिखा है वो चीज़ मैनेजमेंट बिलीव करती है टू बी ट्रू और वो बोलते हैं कि हमने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो करें दिस इज कॉल्ड असर्शन हमारा काम होता है असर्शन को चेक करना बेसिकली पूरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को चेक करना असर्शन आर यूज बाय द ऑडिटर्स टू कंसिडर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट दैट में अकर वेन आइडेंटिफाइंग असेसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ठीक है अब आता है असर्शन रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स कि जो भी इवेंट्स हुई थी जैसे ट्रांजेक्शन हुई थी सेल परचेज जितनी भी ट्रांजेक्शन थी उसके रिगार्डिंग क्या होगी और असर्शन रिगार्डिंग टू अकाउंट अब अकाउंट जैसे इतना बैंक बैलेंस है इतना कैश बैलेंस है इतनी हमारी एसेट की रीवैल्यूड फिगर है उसके रिगार्डिंग असर्शन क्या होती हैं ये हम अभी पढ़ेंगे तो असर्शन अबाउट क्लासेज ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स एंड रिलेटेड डिस्कलोजर फॉर द पीरियड अंडर ऑडिट तो हमारे जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं और इवेंट्स हैं उसके रिगार्डिंग जितनी भी एसोशन हैं वो हम कैसे चेक कर सकते हैं या क्या होता है अकरेंस द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट रिकॉर्डेड एंड हैव परटेन टू दैट एंटिटी मतलब हम कैसे चेक कर सकते हैं एसोशंस हमारी ट्रांजेक्शन्स के लिए कि ट्रांजेक्शन हुई हो ट्रांजेक्शन शुड बी कंप्लीट ऑल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट दैट शुड हैव 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 रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड एंड ऑल रिलेटेड मेड एक्यूरेट हो सही हो वैल्यूज ठीक हो उसकी कट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स हैव बिन रिकॉर्डेड इन करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड कि ये जो जितनी भी ट्रांजेक्शन थी ये सही अकाउंटिंग पीरियड में लिखी गई हैं क्लासिफिकेशन कि हमने उसको ठीक से क्लासीफाई करा है कि ये कौन सा अकाउंट है हमारा प्रेजेंटेशन ठीक से हमने उसको बुक्स में प्रेजेंट करा है जर्नल एंट्री सही करी है ऐसा नहीं है कि अगर उसको रिपेयर को मैंने एसेट में दिखा दिया या एसेट परचेज को रिपेयर में दिखा दिया वो नहीं करा उसकी प्रेजेंटेशन ठीक करी है तो ये होती है असर्शन अबाउट क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट हुई हो कंप्लीट हो एक्यूरेट हो सही अकाउंटिंग पीरियड में हो सही से उसको मैंने क्लासीफाई करा और सही से प्रेजेंट किया अगर मैनेजमेंट ये सारी चीजें फॉलो करती है दैट मीन बुक सही होंगी नेक्स्ट इज असर्शन अबाउट अकाउंट बैलेंसेस एंड रिलेटेड डिस्कलूज इन दीरियड एंड कि जो अकाउंट बैलेंसेज हमारे हैं उनके रिगार्डिंग असर्शन क्या होगी और हम कैसे उस पर चेक करेंगे एग्जिस्टेंस कि अगर हमने अकाउंट बैलेंस दिखाया कि एक लाख के हमारे एसेट्स हैं एक लाख की लाइबिलिटी है तो एक्चुअली वो एग्जिस्ट होनी चाहिए इफ आई हैव शोन कि मेरे पास टेन लाख ,00 के एसेट्स हैं तो एक्चुअली में एसेट्स होने चाहिए जिनकी वर्थ टेन लाख हो कैसे पता चलेगी वर्थ थ्रू वैल्यूएशन एक्यूरेसी कि हमने उस एसेट की वैल्यूएशन कराई हो जिससे हमें पता चले कि एसेट एग्जिस्ट करता है और उसकी वैल्यू जो बुक्स में उन्होंने टेन लाख दिखाई है वो मैच करती है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंटिटी होल्ड और कंट्रोल द राइट टू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर दबलीगेशन ऑफ द एंटिटी के एसेट का राइट बिजनेस के पास होना चाहिए और लाइबिलिटी पे ऑफ होनी चाहिए उसका भी प्रूफ होना चाहिए कंप्लीटनेस ऑल एसेट लाइबिलिटीज एंड इक्विटी इंटरेस्ट दैट शुड है रिखी हुई है ठीक से क्लासीफाई किया हुआ है उनको ठीक से प्रजेंट किया हुआ है तो सारे एसेट्स एग्जिस्ट होने चाहिए उनकी वैल्यूएशन होनी चाहिए उनका राइट right हमारे पास होना चाहिए या ऑब्लिगेशन होनी चाहिए राइट right मतलब कि हमारा एसेट है ऑब्लिगेशन मतलब हमें ये लाइबिलिटी पे एक्चुअली में करनी है कंप्लीट होना चाहिए क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन तो सिंपल है एसोस अबाउट हमारे बैलेंसेज के जो अकाउंट बैलेंसेज होते हैं जिससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं कि इतने एसेट थे इतने इतनी लाइबिलिटी इतनी कैपिटल इतनी सैलरी का टोटल पूरे महीने साल का इतना खर्चा हुआ सेल्स टोटल इतनी हुई है परचेज इतनी हुई है दोज़ार बैलेंसेस ओके okay? तो बैलेंसिस के रिगार्डिंग एसोशन और ट्रांजेक्शन जो हम करते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन इतनी सेल हुई आज इतनी सेल हुई आज इतनी परचेज हुई उसके रिगार्डिंग क्या क्या होनी चाहिए अब एक काम करना गाइस यू कैन परचेज कह रहा हूं यू कैन रीड दिस पार्ट इसको सिर्फ एक बार प्लेन रीड करना है कुछ खास इसमें नहीं है पढ़ोगे अच्छे से समझ आ जाएगा बहुत सिंपल है नेक्स्ट आता है एड्रेसिंग डिस्कलूजर्स इन दी ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसे इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट तो तुम चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो बट मैं फिर भी एक बार इसको रीड करा देता हूं लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक उसके बाद फिर हम ये करते हैं so guys, है, is, so इस पूरे का मतलब वो क्या बताता है मैंने एक बार पूरा डिटेल में पढ़ा है तो इसका जो क्रक्स है वो ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको अलग से हमें डिस्क्लोजर करना पड़ता है ठीक है एंड इट इज़ कहते हैं ना इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट कि वो हर चीज़ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करे अब डिस्क्लोजर क्या क्या होता है वो सारा तुमने एफ थ्री एफ सेवन में पढ़ा हुआ है पुअर क्वालिटी डिस्क्लोजर्स में ऑब्सक्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैटर्स कि अगर डिस्क्लोजर्स हमारे प्रॉपर नहीं है पूरे नहीं है तो यूज़र को वो चीज़ क्लियर नहीं होगी जिसका मतलब ये होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है ठीक है अब पॉइंट ये है कि बहुत बार ऐसे इश्यूज आए हैं जहाँ पे जो ऑडिटर्स हैं वो इन डिस्क्लोजर्स पे इतनी अटेंशन नहीं देते थे देवर कंसर्न मोर अबाउट दी वैल्यूज एंड फिगर्स मैंशन इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रादर दैन डिसक्लोजर नोट्स लेकिन काफ़ी सारे द आई ए एस बी बिलीव दैट वेयर द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट यूज इन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इट शुड बी क्लेरिफाइड दैट इट इज इंटेंडेड टू इंक्लूड ऑल डिस्कलोजर सब्जेक्ट टू द कि हमें सारे डिस्क्लोजर्स भी अच्छे से चेक करने होते हैं नॉट ओनली द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है तो रिसेंट चेंजेस इन इंटरनेशनल चैनल ऑन ऑडिटिंग में हमें क्या बताया है कि हमें डिस्क्लोजर्स पे ज़्यादा अच्छे से एम्फेसाइज करना है हमें फोकस करना है उन मैटर्स पे जो डिस्क्लोजर्स में हैं एम्फेसिज ऑन द नीड टू अग्री विद द मैनेजमेंट ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू डिस्क्लोजर एट द अर्ली स्टेज प्रोसेस तो नॉट वेरी रेलिवेंट बट सिंपल कि हमें डिस्क्लोजर नोट्स पे भी बहुत फोकस करना होता है अब आता है हमारा सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस अब सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस में अब ऑडिट एविडेंस में जैसे ऑडिटर्स कैन ऑप्टेन्स एश्योरेंस फॉर्म कि मुझे एक एश्योरेंस कहां कहां से मिल सकती है देखो अब मैं अगर ऑडिट चेक ऑडिट कर रहा हूं मैं तो एविडेंस या एश्योरेंस अभी मैं एविडेंस की बात नहीं कर रहा अभी मैं बात कर रहा हूं एश्योरेंस की कि मुझे एश्योरेंस कहाँ कहाँ से मिल सकती है एश्योरेंस बाई एश्योरेंस आई मीन कि कहाँ से मुझे ये चीज मिल सकती है कि हाँ जो वैल्यू गिवन है वो सही है कौन मुझे एश्योरेंस देगा ठीक है तो इसमें दो चीजें आती हैं पहला आता है हमारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल दूसरा आता है सब्सटेंसिव प्रोसीजर टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि जो हम एज अ ऑडिटर हम एज अ ऑडिटर रिलाई करेंगे ऑन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जैसे हर महीने ये की जो बुक्स बनती हैं ये पूरी ऑडिट करता है पूरा इंटरनल ऑडिटर है ये नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर जो ईयर एंड वाला होता है इंटरनल ऑडिटर जो कंपनी ने रखा हुआ है वो हर महीने कंपनी की बुक्स चेक करता है जो गलतियां होती है उनको ठीक कराता है जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है उन सब पे वर्क करता है तो ये उसका हर महीने का काम है जो इसने पूरे बारह महीने करा है ठीक है और इसने जब ये काम करे थे जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह बनाई थी हमने एज ऑडिटर वो रिपोर्ट सारी चेक किए कहीं पे हमें कुछ गलत नहीं लगा और ये पर्सन वैसे भी बहुत बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है तो इन दैट केस हमने जो ये इंटरनल कंट्रोल रखा हुआ है उसमें हम उस पर रिलई कर सकते हैं कि हाँ यार हम इस पर रिलाई कर सकते हैं हम बहुत डिटेल चेकिंग नहीं करेंगे ठीक है सो दैट इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ कंट्रोल सो इट इज़ डिजाइन टू इवेल्युएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स इन प्रिवेंटिंग डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग द मेटीरियल मिस्टेटमेंट कि कंपनी के जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो हम उनको टेस्ट करेंगे कि ये जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं कितने सही हैं कि कंपनी का काम होते हुए चलते हुए बीच में कोई जो मेटीरियल uh, मिस्टेटमेंट थी वो ठीक हो रही है कि नहीं हो रही डिटेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही प्रिवेंट हो रही है कि नहीं हो रही दूसरा आता है, substantive procedure. Procedure क्या होता है? हम हर ट्रांजेक्शन को चेक कर रहे हैं यहां तो हमने सिर्फ कंट्रोल चेक किए यहां पर हम पूरी पूरी ट्रांजेक्शन चेक कर रहे हैं हर एक बिल को डिटेल में चेक कर रहे हैं बेसिकली जैसे सैम्पलिंग वगैरह बुसारा था दैट इज कॉल्ड सब्सटैंसिव प्रोसीजर सो सब्सटैंसि प्रोसीजर इज डिजाइन टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल बेसिकली वैल्यूज लेवल ये होता है सिर्फ कंट्रोल चेक करने का कि हमारा कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं हो रही कि हम उसको पहले से प्रिवेंट कर रहे हैं डिटेक्ट कर रहे हैं और करेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं ठीक है सो टेस्ट ऑफ कंट्रोल ये हमने पढ़ लिया <coughs> 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 तो इस चीज को यू कैन गिव इट अ प्लेन रीड टेस्ट ऑफ कंट्रोल सबको पता है क्या है क्योंकि हमने पिछले चैप्टर्स में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है नॉट एज सच कि तुम्हें बहुत डिटेल में इसको पढ़ना है ठीक है प्लेन रीड अच्छे से समझ आ देगा कुछ भी नहीं है इसमें वेरीफाई इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन एंड बैलेंसिस के हर इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन को हम वेरीफाई करते हैं थ्रू सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर एज सीन इन दैप्टर रिस्क इन्वॉल्व एनालाइजिंग रिलेशनशिप बिटवीन इन्फॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई अनयूजल फ्लक्चुएशन विच में इंडिकेट पॉसिबल मिस्टेटमेंट जैसे मैंने बताया था कि हमने ये मान के चला है कि फाइव परसेंट से ज्यादा अगर ऊपर नीचे कुछ हुआ तो हम उसको चेक करेंगे ठीक है ये चीज हमने पढ़ी थी दिस इज कॉल्ड सब्सटैंसिव प्रोसीजर सो अब आता है डिफरेंस बिटवीन टेस्ट ऑफ डिटेल्ड वर्सेस सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है देखो बहुत सिंपल मैं बताता हूं जैसे मैंने क्या किया <coughs> एक सेकेंड मी ओपन सम अदर पेज देखो अभी मैं बात कर रहा हूं टेस्ट ऑफ डिटेल की तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स मींस जैसे मेरी सेल्स हुई टोटल टेन लाख डॉलर की ड्यूरिंग द ईयर इट कंसिस्ट ऑफ फिफ्टी नंबर ऑफ बिल्स फिफ्टी नंबर ऑफ बिल्स ये मैंने पूरे पूरे चेक करे दैट इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ डिटेल हर इंडिविजुअल बिल को मैंने पूरे पचास के पचास बिल मैंने चेक करे या फिर सैंपलिंग करी के इसमें से मैंने थर्टी चेक कर लिए फोर्टी चेक कर लिए दैट इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ डिटेल ठीक है अब उसके बाद आता है हमारा सब्सटैंसिव प्रोसीजर सब्सटैंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर उसमें हम क्या करते हैं हम सब कुछ डिटेल में चेक नहीं करते जैसे हमने ये देखा कि परचेज लास्ट ईयर करंट ईयर एग्जांपल लास्ट ईयर की सेल या सेल से बात करते हैं लास्ट ईयर सेल लास्ट ईयर परचेज लास्ट ईयर की सेल थी लेट से दस लाख और इस साल की सेल थी बारह लाख ठीक है अब सेल कितनी बढ़ी है अप्रोक्सीमेट ट्वेंटी परसेंट सेल बढ़ी है लास्ट ईयर परचेज थी हमारी लेट से सिक्स लाख और इस साल हमारी परचेज है सेवन लाख थर्टी थाउजेंड ठीक है अब इनके बीच में जो चेंज आया है दैट इज सेवन थर्टी माइनस सिक्स वन थर्टी डिवाइड बाई सिक्स लाख तो दैट मीन्स इनके बीच में चेंज आया है ट्वेंटी वन परसेंट कि सेल्स हमारी बड़ी थी ट्वेंटी परसेंट और परचेज हमारी बड़ी है ट्वेंटी वन परसेंट तो दैट मीन्स परचेज में वन परसेंट का डेविशन आया है सेल से विच इज़ ओके कोई दिक्कत नहीं है अब सोचो यहाँ परचेज हमारी पिछले साल थी सिक्स लाख यहाँ हो जाती टेन लाख दैट मीन्स चार लाख की परचेज पड़ गई चार लाख की परचेज मतलब फोर सिक्स अगर मैं करूँ फोर डिवाइड बाई सिक्स परसेंटेज सो इट्स गोइंग टू बी सिक्सटी सिक्स परसेंट कि परचेज मेरी सिक्सटी सिक्स परसेंट से बढ़ गई तो मुझे इसको डिटेल में चेक करना पड़ेगा कि कुछ गड़बड़ मुझे यहां लग रही है दीज आर कॉल्ड अनयूज़ुअल फ्लक्चुएशंस ठीक है इसका मतलब होता है अनयूज़ुअल फ्लक्चुएशंस कि जहां जहां अनयूज़ुअल फ्लक्चुएशंस हो रही है मैं उसको चेक कर रहा हूं टेस्ट ऑफ डिटेल्स मीन्स कि मैंने हर चीज पूरी डिटेल में चेक की है दिस द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट ऑफ डिटेल एंड सब्सटैसिव एनालिटिकल प्रोसीजर आगे एक बार इसको पढ़ लेते नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट वैसे एक बार पढ़ लेते मतलब बहुत केसेस में ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल करता ही नहीं है यहां परल प्रोसीजर की बात मैं नहीं कर रहा हूं सब्सटैंसिव टेस्टिंग मतलब ऑल ट्रांजेक्शन टेस्ट करना और एनालिटिकल प्रोसीजर्स के सारी ट्रांजेक्शन चेक करना और सारे एनालिटिकल कि प्रोसीजर्स कितने परसेंट डेविएशन ज़्यादा डेविएशन है उसको करो सो so, कौन से केसेस में ऑडिटर को कंट्रोल्स चेक करने की जरूरत नहीं है वो डायरेक्टली पूरी पूरी ट्रांजेक्शन और ये डेविएशन चेक कर सकता है सी कहाँ पे दर में चूज टू रिलाईस ऑन सब्सटैंसिव टेस्टिंग वेर इट इज कंसिडर्ड टू बी मोर एफिशियंट एंड मोर इफेक्टिव वे ऑफ ऑप्टेनिंग ऑडिट एविडेंस फॉर एक्जाम्पल स्म ऑर्गनाइजेशन क्योंकि स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल होते ही नहीं है वहां को इंटरनल कंट्रोल वगैरह ज्यादा करता नहीं है वहां बस रखा होते जो काम करता है तो हमें सीधा सीधा ही करनी चाहिए हम नहीं क्योंकि होते ही नहीं रिलाइड अब हमें पता है कि जो ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर है कंपनी का या कंट्रोल्स जो देख रहा है पर्सन वो रिलायबल नहीं है वो तो वैसे फ्रॉड या बनता है तो मतलब कंपनी में फ्रॉड हो रहे होंगे हमें कंट्रोल से कोई मतलब नहीं है हम तो हर चीज़ पूरी डिटेल में चेक करेंगे सब्सटैंसिव टेस्टिंग करेंगे द ऑडिटर मस्ट ऑलवेज कैरी आउट सब्सटैंसिव प्रोसीजर ऑन मटीरियल आइटम्स बेसिकली इंपॉर्टेंट आइटम्स के ऊपर हमें सबको पता है कि मटीरियल का मतलब क्या होता है एज अ ऑडिटर हम सब अब पता है हमें एज अ ए सी सी ए हम बनने वाले हैं हमें पता है कि मटीरियल का मतलब सामान नहीं होता मेटीरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट रेलिवेंट इम्पॉर्टेंट

प्रोसीजर ठीक है गाइस अब नेक्स्ट टॉपिक गाइस जो हमारा आता है दैट इज टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर अब इसको देख के तुम घबराना मत कि सर ऑडिट प्रोसीजर के टाइप्स हैं पता नहीं कितने सारे टाइप्स हैं ऐसा कुछ नहीं है बेसिकली ये ऑडिट प्रोसीजर ये ऑडिट प्रोसीजर नहीं मैं कहूँगा ये कह रहे हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोसीजर टू गेट एविडेंस या गेट अप्रोप्रिएट एविडेंस ये प्रोसीजर टाइप्स ऑफ प्रोसीजर टू गेट अप्रोप्रियट एविडेंस सो अप्रोप्रिएट एविडेंस हम किस का पार्ट होता है इट्स अ पार्ट ऑफ ऑडिटिंग दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ऑडिट प्रोसीजर बट ये एग्जैक्ट ऑडिट वाले प्रोसीजर्स नहीं है ठीक है तो किस तरह से हम ऐसे चीजें अप्रोप्रिएट एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं दिटर कैन एडॉप्ट फॉलोइंग प्रोसीजर्स टू ऑफ टेन और इन्होंने इनफैक्ट ये लिख दिया कौन कौन से जैसा इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स एंड फिजिकल एसेट्स ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स एग्जाम्पल इन्वेंट्री काउंट्स के कैसे कंपनी इन्वेंट्री काउंट करती है वो प्रोसीजर देखो समझो और हो सकता है उसमें भी कुछ फॉल्ट हो वो ठीक करना एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ऑफ टेंड इन दम ऑफ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू ऑडिटर फ्रॉम द थर्ड पार्टी जैसे क्रेडिटर से हमने रिटर्न स्टेटमेंट ली कि टोटल कंपनी ने पेबल से टोटल कंपनी ने कितने पैसे देने हैं या कितने पैसे कंपनी को आने हैं रिसीवेबल से री कैलकुलेशन टू कंफर्म न्यूमेरिकल एक्यूरेसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स के सारी कैलकुलेशन खुद करो एक बार टोटल टोटलिंग लेजेस वगैरह एंड ऑल री परफॉर्मेंस बाय ऑडिट प्रोसीजर्स और कंट्रोल के सारे कंट्रोल्स एक बार दोबारा चेक करो एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो हमने पढ़ा था इंक्वायरी ऑफ नॉलेजेबल पार्टीज़, नॉलेजेबल पार्टीज़ से इंक्वायर करो सो दीज आर वे बाई विच वी कैन गेट दोप्रियट एविडेंस और सेटिस्फैक्शन या एविडेंस बोलो कि कैसे हमें एक अप्रोप्रियट एविडेंस मिल सकता है दिस इज टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर अब जो चीज हमने ये पढ़ी है उन्होंने इसी को आगे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है तो यहां तक कैन जस्ट गिव अ प्लेन रीड तुम्हे सारा समझ आ जाएगा जैसे एग्जाम्पल देखते हैं मैं पहले दो कराता हूं <coughs> जैसे इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड कैसे मे गिव एविडेंस ऑफ राइट एंड अपलिकेशन एग्जाम्पल टाइटल डीज के टाइटल डीट ओनर कौन है इसका कहां से बिल बनाता किसका जीएससी नंबर है मे गिव एविडेंस दैट कंट्रोल इज ऑपरेटिंग एग्जाम्पल इन वॉइस इज स्टैंप एज पेड और ऑथोराइज फॉर पेमेंट बाई अप्रोप्रिएट सिग्नेचर कि जैसे हमें बिल्स पे अगर ये स्टैंप लगी मतलब ये पेड वाली स्टैंप है ये स्टैंप लगी हुई मतलब ये आउटस्टैंडिंग है मे गिव एविडेंस अबाउट कट ऑफ एग्जाम्पल डेट्स ऑफ इन्वॉइस कि किस डेट तक हमें इन भेजना है किस डेट तक पैसे आ जाने चाहिए इन्वाइस कटने के कितने दिन के बाद हमारा स्टॉक वहां पे जाएगा लाइक दैट ठीक है कन्फर्म सेल वैल्यूज एंड परचेज कॉस्ट वैल्यूज कितनी है परचेज कॉस्ट क्या है वो सारा हमें इंस्पेक्शन से पता चलता है इंस्पेक्शन ऑफ टेंजेबल एसिड्स मशीनरी एक्स एक्सेट्रा फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एसिड करते हैं क्यों टू ऑपटेन एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द एसिड हम फिजिकल इंस्पेक्शन क्यों करते हैं ताकि हम पहली बार देखें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कंपनी ने दिखाया हुआ है कि हमारे पास छह बिल्डिंग्स हैं तो क्या एक्चुअली में छह बिल्डिंग्स हैं भी या नहीं मे गिव एविडेंस ऑफ वैल्यूएशन एग्जाम्पल Evidence of damage indicating impairment of inventory or asset, कि एक बिल्डिंग थी वो डैमेज है पूरी खराब है और उस बिल्डिंग की कंपनी ने वैल्यू बहुत ज्यादा दिखाई हुई है उसकी नहीं करी हुई तभी हम फिजिकल वेरीफाई वैर एसेट्स को भी सो तो ये चीज हमें पढ़नी है तो यहां तक जस्ट गिव इट प्लेन रीड तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा एक बार पढ़ लोगे तो ठीक है थोड़ा सा कोशिश करना इस पार्ट को लर्न करने की भी क्योंकि अगर थ्योरी का क्वेश्चन आता है बड़ा क्वेश्चन वहां पे हमें यहीं से कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी कि जैसे अगर हमें बोला जाता है कि हाउ कैन यू गेट एक्सटर्नल कन्फर्मेशन गेटिंग एक्सटर्नल कन्फर्मेशन तो तुम लिख सकते हो यहां से कुछ लर्न करके ठीक है कैसे कैसे होती है तो जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड अच्छे से समझ आ जाएगा समझ आ गया तो यू कैन ऑल्सो राइट ठीक है सो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं ठीक है काफी ज्यादा मैंने करा दिया इस चीज को अच्छे से पढ़ लेना समझ लेना नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर का आगे वाला पार्ट कराता हूँ चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव हाँ अ ग्रेट टाइम